अब देखो, अब हमें देखना है कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का जो इक्वेशन था उसे प्रूफ करते हैं। तो हम लिखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का प्रूफ देखें, गॉस लॉ का प्रूफ देखने के लिए देखो, पहले हमें क्लोज सरफेस को कंसीडर करते हैं। एक ऐसा ये क्लोज सरफेस, सबसे पहले हमें पॉइंट चार्ज देखते हैं। देखो अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया जाए, पॉइंट चार्ज क्यू, तो पॉइंट चार्ज क्यू अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरह से फेंकेगा, अपने से बाहर के तरफ। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा बाहर के तरफ निकलती है। अब हमें अगर इस चार्ज के सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इसको अगर हमें गॉस लॉ में अपनाना है, तो हमें एक ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा जो इस पूरे चार्ज को कवर अप कर ले। तो हम एक ऐसा सरफेस क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका, ये 2D में नहीं है, इसके इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी चारों तरफ जा रही होगी, इससे निकलने इलेक्ट्रिक, जैसे हम बल्ब जलाते हैं अगर बीच में, देखो चारों तरफ लाइट उसकी जाती है, ठीक है, तो 3D स्पेस में पूरा हो जाता है। इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी, ये केवल 2D फिगर में जैसे बोर्ड पे दिख रहा है ऐसा नहीं है, पूरा 3D पूरा ये फील्ड इसको निकाल रहा है। तो हमें एक ऐसा ही सरफेस चाहिए जिसको हम इसके ऊपर कंसीडर करें तो ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो पूरी की पूरी कवर अप कर जाए। तो इसको कवर अप करने के लिए हमारे पास जो फिगर है वो देखो, हम स्फीयर्स, एक अगर सिमेट्रिकल स्फीयर अगर हम यहाँ पे ला के रख दें और इस चार्ज को उसके बीच में रख दें, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा चाहे किस भी डायरेक्शन में, वो पूरा पूरा स्फीयर उसके अंदर ले लेगा। तो हम इसके चारों तरफ एक स्फीयर बनाते हैं। ये देखो ये स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। अब ये स्फीयर है तो इससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आती हुई लग रही है। इस स्फीयर का रेडियस r, ठीक। अब क्या है कि इस सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिर रही है, ये तो बताता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ द क्यू इनक्लोज इन इट। तो हमें पता नहीं है कि इस इतने सरफेस पे कितनी गिर रही है, इतने पे कितनी गिर रही है, इतने पे कितनी गिर रही है। तो अगर हम इसको यूनिफॉर्म सिस्टम माने, ये स्फीयर भी हमारा यूनिफॉर्म है और चार्ज से जो फील्ड निकल रही है वो भी यूनिफॉर्म निकल रही है, तो अगर हम छोटे से दूर का फ्लक्स निकाल लें, इतने दूर का अगर हम फ्लक्स निकाल लें और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें पूरे के लिए, तो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा सरफेस लेते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है यहाँ से छोटा सा सरफेस लेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर के तरफ आउटवर्ड, और अगर हमने ये सरफेस कंसीडर किया है अपने को यहाँ से, तो इस छोटे से सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो भी देखो इसी तरफ होगा, एरिया वेक्टर इसी तरह होगा, जिसकी वैल्यू है, छोटा सा वेक्टर है तो E.ds सरफेस एरिया उस वेक्टर किधर होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों आ गए। अब चलो चलते हैं गॉस लॉ की तरफ, ठीक है, हमें गॉस लॉ को प्रूफ करना है। तो देखो हम प्रूफ करते हैं, हम लेकर चलते हैं, कहता क्या कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल इस तरह का सिंबल का मतलब ये क्लोज है, इंटीग्रल करने ओवर अ क्लोज सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E.ds इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनक्लोज्ड। ये तो गॉस लॉ बोलता है, क्या बोलता है। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं, देखो हम LHS लेकर चलते हैं, LHS में हमने लिखा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ इंटीग्रल ओवर अ सरफेस एरिया। ध्यान से देखो, किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है 1/4πε0। जो चार्ज है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, हमने सरफेस कितने लिया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चेक कर रहे हैं, इस सरफेस पे जो कि रेडियस r पे है, कितनी दूरी पे है वो सरफेस, r² डॉट। यहां ध्यान से देखो, पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, अगर इस डॉट प्रोडक्ट को निकालते हैं तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। यहाँ देखो ई भी इसी डायरेक्शन में है और डेल्टा एस भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो ई डी एस कॉस जीरो का मतलब यह आ जाएगा, यह आ गया पूरा ई डी एस। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर हमने E की वैल्यू तो पूरी पूरी लिख दी, अब हमें DS की वैल्यू यहाँ लिखनी है। हम DS की वैल्यू लिखेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जितने हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लेते हैं, ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट तो है नहीं, ये तो हमने वेरिएबल लिया हुआ था वहाँ छोटे छोटे टर्म पे। देखो 1/4πε0, ये तो पूरा पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, चार्ज हम बदल नहीं रहे, चार्ज तो हमने वही रखा हुआ है, और रेडियस ऑफ अ सर्कल कभी चेंज नहीं होता, वो हर पॉइंट पे उतना ही होता है, तो ये सारी ये पूरी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट से बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बचेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। इस डी एस वैक्टर का ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल बचेगा, अगर ये छोटा सा सरफेस एरिया है इतना, यही डी एस है, इसे इंटीग्रेट करके पूरा रह रहे हैं, तो पूरा तो हमने स्फीयर कंसीडर किया था, क्या था स्फीयर, और स्फीयर का पूरा टोटल सरफेस एरिया कितना आता है, हम यहाँ लिखेंगे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना आता है, ये आता है 4πr², 4πr² टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ से देखो 4π r² से r² कट गया, यहाँ देखो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ आ गई 1/εoK/Q। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस की बात करें तो K=1 होता है, फ्री स्पेस की बात करें तो K=1 होता है, तो हमारे पास कितना आ गया 1/εoQ। ये हमारा देखो LHS था, जो कि LHS हमारा, हमने LHS लेके चले थे और हमने LHS से हम RHS पे पहुंच गए, यही तो आ गया, तो यहाँ देखने को मेरा कि LHS हमारा RHS के इक्वल है, यही है गॉस लॉ का प्रूफ। गॉस लॉ कहता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/εoT द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट, और इसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ के मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम कितना चार्ज इनक्लोज है उस सरफेस पे वो भी निकाल सकते हैं। अगर हमने किसी सरफेस के ऊपर गॉस लॉ लगाया और हमें उसकी वैल्यू जीरो मिल रही है, तो हमें उसकी वैल्यू जीरो मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो चार्ज है उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड ही नहीं है, तो चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस मस्ट बी जीरो। तो ये गॉस लॉ का प्रूफ, इसे नोट डाउन कर लो।